समाचार प्लस प्राइड अवार्ड 2014 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी उत्तराखंड की प्रतिभाओं को दिया अवार्ड। कहा, समाचार प्लस पर खबर देखे बिना नहीं होता है दिन पूरा। समाचार प्लस प्राइड अवार्ड 2014 में प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एडिटर इन चीफ उमेश कुमार ने कहा, आगे भी किया जाएगा प्रतिभाओं का सम्मान। शंकर सहानी और शिवानी कश्यप की स्टेज परफॉर्मेंस ने बांधा समा। उपचुनावों की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में चुनावों को लेकर हुए कई अहम फैसले। प्रदेश में सदस्यता अभियान को दी जाएगी गति। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। ऋषिकेश एम्स का किया दौरा, केंद्रीय मंत्री बोले एम्स के लिए जमीन है कम, सीएम हरीश रावत से मिलकर करूंगा बात। शामली में एक सप्ताह से गायब बहनों में से एक का शव मिला, गुस्साए परिजनों ने पानीपत खटीमा राजमार्ग पर जाम लगाकर किया हंगामा। थाना अध्यक्ष एके चौहान और परिजनों में जमकर हुई मारपीट। ललितपुर में छात्रों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई दबंगई, छात्र को बंधक बनाकर पीटने का विजुअल किया अपलोड, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा में जसवंत नगर हाईवे के किनारे नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की डूबकर मौत, गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर किया हंगामा। कासगंज में दबंग पूर्व प्रधान ने युवक को जिंदा जलाया, गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, आरोपी फरार। सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, ग्रामीणों का आरोप, प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद, गांव छोड़ने को मजबूर है।